विद्वत कवेरप्पा। क्रिकेट फैंस ने शायद ही ये नाम सुना हो, पर इस खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन से घरेलू क्रिकेट में धूम मचा रखी है। विद्वत कवेरप्पा को डेब्यू किए हुए एक साल से ऊपर का समय हो चुका है, ऐसे में वो आने वाले समय में टीम इंडिया के स्क्वाड का भी हिस्सा बन सकते हैं। बता दें कि विद्वत ने दिलीप ट्रॉफी फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन किया था। घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक की तरफ से खेलने वाले विद्वत साउथ जोन की तरफ से खेलते हुए घातक गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे। उन्होंने अपनी पहली पारी में 19 ओवर्स किए और 5 ओवर मेडन करते हुए 53 रन देकर वेस्ट जोन के 7 विकेट झटके। ऐसे में चेतेश्वर पुजारा और सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ियों का विकेट भी इसमें शामिल रहा। वेस्ट जोन की टीम 146 पर ही लुढ़क गई। इसके बाद साउथ जोन की मैच में जबरदस्त वापसी हो गई। ये विद्वत की गेंदबाजी का ही कमाल था कि साउथ जोन ने मैच को 75 रनों से जीत लिया और विद्वत प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। 12 फर्स्ट क्लास मैचेस में 49 विकेट्स। बता दें कि 25 फरवरी 1999 को जन्मे विद्वत ने 12 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलते हुए 49 विकेट्स अपने नाम किए हैं। वहीं उन्होंने 8 लिस्ट ए मैचेस खेलते हुए भी 17 विकेट लिए थे। इसके अलावा 8 T20 मैचेस में उन्होंने 18 विकेट अपने नाम किए हैं। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज विद्वत की खास बात तो दोस्तों ये है कि वो गेंद को विकेट के दोनों ओर मूव करवा सकते हैं और विद्वत का ये टैलेंट इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। वेल, आपको बता दें कि क्रिकेट को सीरियसली अपनाने से पहले विद्वत हॉकी के फील्ड में हाथ आजमा चुके हैं। तेज गेंदबाजी को विद्वत ने 18 साल की उम्र में सीरियसली लेना शुरू किया। वो कुर्गू से बेंगलुरु आ गए। यहाँ आकर उन्होंने यूनिवर्सिटी से पहले कॉलेज अटेंड किया और दिलीप ट्रॉफी फाइनल में उन्होंने जिस तरह की गेंदबाजी की, उसके बाद तो वो नेशनल सिलेक्टर्स की नजर में भी आ गए हैं। और जिस तरह से उन्होंने पुजारा और सूर्यकुमार यादव को आउट किया, उसके बाद से वो लंबी रेस के घोड़े माने जा रहे हैं। वेल दोस्तों, क्या आपने विद्वत का ये शानदार प्रदर्शन देखा है? अगर देखा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। साथ ही ये देखने वाली बात होगी कि क्या विद्वत आगे टीम इंडिया के लिए एक लंबी रेस के घोड़े साबित होते हैं, यानी कि वो आगे चलकर टीम इंडिया में शामिल होते हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।